अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सोनी किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं काबुली चना चाट रेसिपी। तो देखिए इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और हमने दो टाइप की चटनी बनाई है, कच्ची कैरी और लेमन कोरिएंडर वाली। तो ये सारे देख सकते हैं आप कितना कलरफुल चीज़ है जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसमें मेन इंग्रेडिएंट है हमारा काबुली चना, पोटैटो, ये क्या है, दही। तो दही है इसके अंदर, और दही है, कांदा है चॉप किया हुआ, इमली की चटनी है, टमाटर है, और एक कैरी की चटनी है, कैरी जीरा पाउडर पाउडर है, काला नमक है, चाट मसाला है। तो चाट मसाला, नमक है, नमक, और ये हरे धनिए की चटनी है, इसमें मिंट भी है, पुदीना, और ये क्रश किए हुए बीटरूट है, और ये गाजर। तो ये हमने ऐड कर दिया है कुकर में हमारा बॉईल होने के लिए। चना है और पोटैटो, 5 से 6 सीटी लगा लेंगे। तो 5 से 6 सीटी लगाना है, और एक काबुली थोड़ा चना सा नमक ऐड कर देंगे बॉईल करने के टाइम पे, थोड़ा सा नमक ऐड करना है, और इसे 4 से 5 सीटी इसे कुकर में कुक करना है। और ये मीन वाइल हम चटनी बना ले रहे, चटनी बना रहे ना ये। हाँ, चटनी कैरी की चटनी है, चटनी बना के रख लेंगे। दो तरह की चटनी बनाएंगे, तो दो एक तरह कैरी की चटनी है, एक कोथमीर, दो तरह की चटनी है। तो टू टाइप चटनी हम बनाने जा रहे हैं। ये हमारा रेडी हो चुका है एक चटनी, और ये दूसरा हम प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कच्ची कैरी की चटनी हो चुकी है। उसके बाद हम ये बना रहे हैं कोरिएंडर की चटनी, ये थोड़ी मिंट भी है थोड़ा सा उसमें। तो पहला चटनी हमारा थोड़ा खट्टा होगा, और दूसरा भी खट्टा ही होगा। इसमें लेमन है, उसमें कैरी है, लेकिन दोनों का अलग टेस्ट है, खट्टापन है। तो आप भी इसे बनाइए। तोता पैरी कैरी है, ज़्यादा खट्टी नहीं है, वो खट्टी मीठी चटनी बनेगी वो भी। तो जब तक हमारा चटनी भी देखिए रेडी हो चुका है, और वो हमने उसे बॉईल करने के लिए रखा है, ये भी बॉईल हो चुका है, तो काफ़ी अच्छा बॉईल हुआ है। ड्रेन कर लेंगे, पानी थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए। चने को ठंडा कर लेंगे पानी डाल के। तो हमने इसमें ठंडा पानी डाल के इसे ठंडा कर लिया है। टाइम है तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये हमारा पोटैटो है जिसको हमने कट कर लिया है, और ये काबुली चना, और ये स्टार्ट करने जा रहे हैं हम हमारा चाट बनाना। चाट हम सबका फेवरेट होता है। जब भी हम जुहू चौपाटी या ऐसी जगहों पे जाते हैं, तो बच्चे ज़्यादातर चाट खाने के लिए जिद करते हैं। तो चाट एक अलग ही टेस्ट देता है, कहीं भी घूमने जाओ तो, खास करके समुंदर किनारे या किसी जगह पर चाट अक्सर मिलता है वहाँ पे। तो ये देखिए हम क्या क्या ऐड कर रहे हैं इसमें। ये क्या है, काला नमक है, काला नमक। उससे पहले हमने जीरा पाउडर ऐड किया, जीरा पाउडर डाले थे, और तो भुना हुआ जीरा पाउडर है। हाँ, तो भुना हुआ जीरा पाउडर हमें ऐड कर लेंगे, पोटैटो, और ये चटनी है हमारी, वो जो हरी चटनी हमने बनाए थे, तो दोनों हरी चटनी, अच्छा इसी में ऐड करना है। हाँ, तो दो टाइप की जो हरी की चटनी है, तो दोनों दोनों चटनी डालेंगे इसमें। इमली की चटनी, इमली की इमली थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे, तो हमारी चाट खट्टी मीठी बनेगी। फिर दही ऐड करेंगे, और ये दही देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये सारी चीज़ें, और काफ़ी टेस्टी बनने जा रहा है ये। और ये है कैरोट है, बीटरूट है, बीटरूट है, और कोरिएंडर लीव्स है। आप भी दोस्तों इसे बनाइए घर पे, काफ़ी टेस्टी होता है, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। बाहर का ला के खाने से अच्छा आप इसे घर पे बनाइए। देखिए काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी अच्छा है ये, घर पे हम बनाते हैं तो सब कुछ एकदम फ्रेश दिख रहा है। टोमेटो हमने ऐड किया है इसके अंदर, और ये फिर से दही वापस ऐड कर रहे हैं डेकोरेट के लिए, थोड़ा सा दही ऊपर से डालेंगे। तो और एक लेयर दही का हम ऐड कर रहे हैं, नीचे हमने ऑलरेडी दही ऐड किया था। तो आप भी इसी तरीके से लेयर बना सकते हैं चटनी का, फिर उसके ऊपर ऐड कीजिए, फिर दही ऐड कीजिए, फिर चटनी ऐड कीजिए, इस तरीके से आप भी इसे कीजिए। तो टेस्ट जो है, क्योंकि हम जब इसको स्पून से जब निकालते हैं, चम्मच से, इसको मिलाएंगे भी ना हम लोग, नहीं खाने के टाइम मिक्स करके खा लेंगे, खाने के टाइम पे मिक्स करके खा लेंगे, तो
अच्छा टेस्ट आएगा क्योंकि सब चीज़ें इसमें ऊपर से नीचे सब मिला हुआ होगा। और ये देखिए ये वो सेव है, बारीक सेव है, ये जो पानी पूरी में हम सेव पूरी में जो डालते हैं वाला सेव है, अक्सर इजीली मिल जाता है मार्केट में। तो ये हमारा रेडी हो चुका है चना चाट रेसिपी। आप बनाइए और कमेंट में हमें बताइए कि आपको कैसा लगा ये हमारा रेसिपी। इसी तरीके से हम आसान रेसिपी आपके लिए लाते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।